यशवंत, अब मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो इस बात स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि तगड़ी टक्कर है और कांग्रेस को एज मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके पीछे का कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आशुतोष जो आंकड़े हमको दिखा रहे हैं वो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये दिखा रहे हैं कि वहां पर लड़ाई तो वैसे बाइपोलर थी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि करीबन 20% वोट तीनों ही राज्यों में अन्य के खाते में जाते हैं। अन्य में बीएसपी भी है, लोकल पार्टियां भी है, बाकी चीजें भी है, लेकिन इस बार इन तीनों ही राज्यों में अन्य सिकुड़ रहा है। अभी तक के आंकड़ों में अन्य के सिकुड़ने से क्या हो रहा है, मुकाबला और भी ज्यादा बाइपोलर हो रहा है। तो बाइपोलैरिटी में क्या है कि जो सत्ता की लड़ाई में एंटी इनकम्बेंसी झेल रहा है, कई बार अगर उसके वोट आपको बढ़ते हुए दिखते हैं तो आपको थोड़ा असमंजस होता है कि यार ऐसी कौन सी एंटी इनकम्बेंसी है जिसमें जो पावर में उसके वोट बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में विरोधाभासी लगता है देखने में, लेकिन दोनों चीजें साथ में भी हो सकती है, इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए। मुझे मध्य प्रदेश में सत्ता विरोध से ज्यादा फटीग लग रहा है। फटीग यहां पर लोग समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री से फटीग हो गया, नहीं, मुख्यमंत्री से नहीं, सत्ता से फटीग भी होता है। सिटिंग एमएलए से भी फटीग होता है, सिटिंग एमपी से भी फटीग होता है। जब मल्टीपल टाइम लोग जीत रहे होते हैं तो एक ओवरऑल फटीग का भी सिनेरियो बनता है। तो मुझे समझ ये लगता है कि ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में भाजपा के वोटर स्विच हो रहे हैं कांग्रेस को, ये नहीं लग रहा है, लेकिन एक उदासीनता सी मुझे दिख रही है। उदासीनता फटीक के कारण आ रही है, तमाम बाकी चीजों के कारण भी आ रही है, और ये उदासीनता अगर टर्नआउट ड्रॉप हो गया तो वो बीजेपी के लिए घातक होगी। इसलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि टर्नआउट पे आप मध्य प्रदेश के ध्यान रखें। और मध्य प्रदेश में लड़ाई दरअसल कमलनाथ एज एन इंडिविजुअल वर्सेस बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन की है, और कमलनाथ बहुत अच्छा खेलना है, बहुत सधा हुआ खेलना है, इसलिए वो उनके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना, उस गुट का जाना दरअसल एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो गया कि उनको उस तरीके की सिर्फ फुटअव्वल घर में नहीं देखनी पड़ रही है, जबकि बीजेपी के लिए वो समस्या हो गई। क्योंकि अगर आप रीजन वाइज आंकड़ों को देखेंगे तो बीजेपी के लिए सबसे खराब खबर आ रही है चंबल क्षेत्र में और बघेलखंड में, जहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सारे लोग बीजेपी में आए हैं, उससे बीजेपी के अंदर इतनी ज्यादा केमिस्ट्री बिगड़ी हुई है स्थानीय लेवल पे। क्योंकि जिन लोगों के साथ में आप बराबरी की सत्ता संघर्ष में है, वो अगर आपके साथ में है तो व्यक्तिगत वर्चस्व की भी लड़ाई का मसला हो जाता है। तो ये चीज जो है ये बीजेपी को नुकसान दे रही है। दूसरी चीज, कहना बहुत आसान है शिवराज सिंह चौहान के सर पे मत्थे पे डाल देना कि ये उनसे लोग नाराज हो गए हैं, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। क्योंकि जैसे आपने राजस्थान के केस में बोला, गहलोत स्वयं पॉपुलर हैं, भले ही पार्टी की स्थिति और एमएलए की स्थिति खराब हो रही है, वही बात शिवराज सिंह चौहान पे भी लागू होती है। शिवराज सिंह चौहान कोई व्यक्तिगत रूप से अनपॉपुलर नहीं है, ये गलत एनालिसिस होगी और ये गलत नैरेटिव होगा अगर मैं उस बात को आंकड़ों के लिहाज से बोलूं। शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत रूप से पॉपुलर है, लेकिन सरकार के साथ में एक फटीक का मसला है, उदासीनता का मसला है, जिसको वो दो चार नहीं कर पा रहे। केंद्र से जो तमाम आधा दर्जन लोग आशुतोष भेजे गए हैं लड़ाने के लिए, उससे बीजेपी को फिलहाल कोई लाभ होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है आंकड़ों। आने वाले समय में अगर कुछ हो अलग अलग क्षेत्रों में तो समझ में आएगा, फिलहाल नहीं दिख रहा है। क्योंकि जहां पे बीजेपी ट्रैकर में पीछे चल रही थी वहां अभी भी पीछे चल रही है, जहां आगे चल रही थी महीनों से वहां अभी भी आगे चल रही है। तो कुछ किसी जगह पे तो ऊपर नीचे हो ना, तो हम माने कि हाँ भाई आशुतोष जी के जाने का नुकसान या फायदा हुआ, यशवंत जी के पहुंचने का नुकसान या फायदा हुआ। जब कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन में उठापटक ना हो रही हो तो फिर उसमें इस तरीके के आकलन या इस तरीके का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं। क्या शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं पेश करना ये बीजेपी के लिए नेगेटिव फैक्टर है या ये बीजेपी को हेल्प कर रहा है? मुझे लग रहा है कि अगर उन्हें शिवराज सिंह चौहान को फेज आउट करना था, नए नेतृत्व को लाना था, तो पहले ही कर देना चाहिए था। चुनाव के अंत समय में असमंजस क्रिएट करने का मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक लाभ, देखिए अगर तो अमित शाह जी की इनकी इस स्ट्रेटजी से बीजेपी वास्तव में जीत जाती है तो कल के दिन हम और आप यही बैठ के एनालाइज करेंगे कि मास्टर स्ट्रेटजी।
ठीक है ना। और अगर फेल हो जाती है तो हम कहेंगे कि हो जाएगा, तो ये आकलन तो अपनी जगह पे हम लोगों के लिए सबसे आसान है। कोई अगर दांव खेल रहा है तो दांव कैसा पड़ेगा ये तो रिजल्ट आने पता लगेगा, लेकिन जो लिमिटेड समझ जो आंकड़ों से आती है हमको देख के, उससे फिलहाल उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।